नमस्कार, स्वागत है भक्ति टॉप 20 में और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। महाशिवरात्रि के मौके पर अब श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन गंगा द्वार से भी किए जा सकेंगे। बाबा दरबार तक आने के लिए खिड़किया और असी घाट से मोटर बोट मिलेगी, जो ललिता घाट पर श्रद्धालुओं को उतारेगी। श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली ना हो, उसके लिए किराया भी तय किया जाएगा। राजस्थान में अब सभी धार्मिक स्थल अपने अपने समय पर खुलने लग गए हैं, ऐसा प्रदेश सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू खत्म करने के फैसले के बाद हुआ है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने यह नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। खाटू श्याम मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। वहीं एक दिन में सिर्फ 15,000 भक्तों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास टीटवाल में शारदा देवी के नए मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए पीओके स्थित शारदा पीठ से शिलाएं और मिट्टी लाई गई है। भोपाल के नजदीक प्रसिद्ध कंकाली मंदिर पहला ऐसा मंदिर बनने जा रहा है जो धर्मस्थल होने के साथ बुजुर्गों के लिए आसरा भी बनेगा। मंदिर परिसर के विकास के साथ यहां 500 बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम और गोवंश की देखभाल के लिए गौशाला बनाई जा रही है। बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। इस धाम को प्रसाद योजना में भी शामिल किया गया है। अब जल्द ही इस धाम का चहुमुखी विकास होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया तीर्थधाम में बने परशुराम पेनोरमा का जल्द ही संचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही पेनोरमा में प्रवेश के लिए कीमत भी चुकानी होगी। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा यानी 16 फरवरी से महाशिवरात्रि तक शिवरी नारायण मेला लगेगा। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा के दिन विराजते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नाइट लाइफ और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डल झील में करीब 80 से अधिक शिकारों को सोलर पैनल के जरिए रोशन किया गया है। अब पर्यटक डल झील में रात को भी जगमगाते शिकारों में नौका विहार का लुत्फ उठा सकते हैं। कोरोना के चलते रेलवे विभाग ने 9 फरवरी से चलने वाली श्री रामायण यात्रा डिलक्स ट्रेन की तारीख बदल दी है। अब ये ट्रेन 22 फरवरी को चलेगी। इस यात्रा की अवधि अब 17 दिनों की बजाय 20 दिनों की होगी। साथ ही यात्रा का किराया भी बढ़ा दिया गया है। अब यूएसए में भी लीजिए श्री प्रयाग महिमा कथा का आनंद। पुराण मनीषी परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित श्री प्रयाग महिमा कथा का प्रसारण संस्कार यूएसए पर किया जाएगा। आप 16 फरवरी को दोपहर 4 बजे से इस कथा को सुन सकते हैं। अयोध्या जी से करीब 300 किलोमीटर दूर नेपाल से सटे बिहार के केसरिया में एक भव्य रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण में उन्हीं विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी जो नई दिल्ली में संसद के नए भवन का निर्माण करा रहे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में अब बाहर से आने वाले भक्तों को सुविधा मिलेगी। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए मंदिर में सभी सुविधाओं से युक्त निवास तैयार कराया जाएगा। साथ ही मंदिर में संत महात्माओं के लिए प्रवचन हॉल भी तैयार होगा। पेंसिल्वेनिया में मौजूद ब्रज मंदिर अमेरिका के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। करीब 300 एकड़ में बने इस मंदिर में हर साल 1,00,000 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर 1987 से पहले योग का केंद्र था। अब हाईटेक होगी श्री काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या स्थित रामलला मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। इसके लिए विशेष खाका तैयार कर लिया गया है। इन दोनों मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था गुजरात स्थित अक्षरधाम मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह ही होगी। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में स्थित स्वात घाटी में 2000 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये बौद्ध मंदिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का है। उस समय गंधार पर यूनानियों का शासन था। वृंदावन के ठाकुर श्री बाके बिहारी जी की कृपा प्रसादी अब आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। कृपा प्रसादी में चरणामृत, पंचमेवा, खजाना और इत्र जैसी सामग्री प्राप्त की जा सकती है। कृपा प्रसादी श्री बाके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में भुगतान कर या ऑनलाइन पेमेंट करके भी मंगवाई जा सकती है। उत्तराखंड के टनकपुर में लगने वाला मां पूर्णागिरी मेला इस बार 19 मार्च से लगेगा। हालांकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए 15 फरवरी को प्रशासन के द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि मेला कितने दिनों का होगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की पहली खेप पूरी पहुंच चुकी है। इन लकड़ियों का इस्तेमाल भगवान के आसन को बनाने में किया जाएगा। ये लकड़ियां ओडिशा के नयागढ़ रेंज से लाई गई है।
12 फरवरी को खाटू श्याम राजस्थान में श्री श्याम संकीर्तन और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। परम श्रद्धेय राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज रतन गढ़वाले संकीर्तन के माध्यम से लोगों का करेंगे कल्याण। श्री श्याम संकीर्तन और भजन संध्या का 12 फरवरी रात 11 बजे से सीधा प्रसारण सत्संग चैनल पर किया जाएगा। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।